इसके लिए सबसे पहले हम SBI का योनो ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लें। जब लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ क्विक लिंक्स, सर्विस रिक्वेस्ट, उसके बाद हम ATM डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन है, इसे हम एक्टिवेट कार्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जिस ATM कार्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं उस ATM कार्ड का नंबर जो कि उस पर रहता है हम वो ATM नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ डालना है, उसका सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ATM एक्टिवेट हो चुका है, 1 मिनट से भी कम समय लगा। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल से घर बैठे ही अपने ATM कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं।